के शहर में कोरोना के वार जारी। शहर में कोरोना मजीद 17 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1366 नए केसेस किए गए हैं। इस हवाले से मियो अस्पताल से कोरोना के 8 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि हमीद लतीफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अस्पताल में 2-2 मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। सवाले से मजीद अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा, शरह वाफ भी बढ़ती जा रही है, मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हो रही हैं, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत देखने में आ रही है, और ना सिर्फ केसेस जो है वो उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है बल्कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी लाहौर में जो है वो 13% से तजावज कर चुकी है। इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे का अगर डाटा देखा जाए तो लाहौर में 1366 रिकॉर्ड केसेस जो है वो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले इतने ज्यादा केसेस जो है वो रवा साल के दौरान जो है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए थे। इसके अलावा 17 अमवात जो है उनकी लाहौर में तस्दीक की गई है, और इनमें से 8 मियो अस्पताल में, जिनाह हमीद लतीफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में 2-2 मरीज जो है वो दम तोड़ गए। डॉक्टर्स अस्पताल, फारूक अस्पताल और नेशनल अस्पताल में भी कोरोना वायरस में मुबतला 1-1 मरीज जो है वो जिंदगी की हालत हार गया। जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें देर इलाज मरीजों की तादाद जो है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इस वक्त 514 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं जो कन्फर्म मरीज हैं, और इनमें से 104 ICU और 79 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है, जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका।